आज 13 नवंबर 2024। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम खबर। खबर बिहार में आइए जानते हैं आज की 25 बड़ी खबरों। सबसे पहले बात करते हैं जॉब्स की, तो रेलवे टेक्नीशियन भर्ती का एप्लीकेशन स्टेटस जारी किया गया है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने टेक्नीशियन ग्रेड एक यानी 1 सिग्नल भर्ती के उम्मीदवारों का एप्लीकेशन स्टेटस जारी कर दिया है। अभ्यर्थी चेक कर सकते हैं कि उनका आवेदन स्वीकार कर लिया गया है या फिर खारिज किया गया है। वहीं आगे की खबर बता दें जॉब्स को लेकर ही कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में 802 पदों पर भर्ती महाराष्ट्र स्टेट को प्रेटिक बैंक में ग्रेजुएट्स के लिए मौका दिया गया है। आपको बता दें कि आज टॉप जॉब्स में बात पावर ग्रिड कॉरपोरेशन और महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में निकली वैकेंसी की। करेंट अफेयर में जानेंगे भारत और रूस के बीच हुए डिफरेंस समझौते के बारे में, और आपको बता दें कि जॉब्स को लेकर ग्रिड कॉरपोरेशन में एक बड़ी बहाली निकाली गई है। वहीं आपको बता दें कि ITBP में मेडिकल ऑफिसर बनने का शानदार मौका है। बताते चले कि भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP ने सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर और मेडिकल ऑफिसर पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया 16 अक्टूबर से शुरू हो गई है और आवेदन करने की आखिरी तारीख जो है 14 नवंबर 2024 के रात 11:59 तक है। लंबी समय दी गई है, बीच में फिर मैंने बता दिया आवेदन की आखिरी तारीख बहुत नज़दीक है, इसलिए उम्मीदवारों की सलाह दी जाती है कि अभी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण कर सकते हैं। वहीं हम आपको बता दें कि बिहार में लगातार बड़ी खबरें आ रही है राजनीतिक मुद्दे पर लेकर। जैसा आप जान रहे हैं कि उपचुनाव होना है और इस उपचुनाव के बीच बड़ी खबर आई है। वहीं हम आपको बता दें कि 5600 एकड़ जमीन चाहिए सरकार के पास 1500 56 एकड़ जमीन चाहिए सरकार के पास है 1500, कहीं 6 लाख लोगों को बिहार छोड़ना न पड़े। आपको बताते चले कि बिहार में निवेशक निवेश के लिए तैयार हैं। 688 निवेशकों को पहला क्लीयरेंस मिल चुका है, यानी इन कंपनियों का बिहार में इन्वेस्टमेंट का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। लेकिन कंपनियों को 9,593 करोड़ रुपये निवेश के लिए फाइनेंसिंग NOC का इंतजार है। ऐसे में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर को बिहार में निवेश के लिए लगभग 5600 एकड़ जमीन की जरूरत है, लेकिन उद्योग विभाग के पास निवेश के लायक लैंड बैंक में 1500 एकड़ जमीन ही है, तो इस तरह से उनको छोड़ना पड़ सकता है बिहार। वहीं आगे की खबर हम आपको बता दें कि 8 करोड़ लोगों को फायदा, दरभंगा को तीसरी रेलवे स्टेशन में मिलेगी, दरभंगा एम्स की पहली ईंट रखेंगे भारत के प्रधानमंत्री PM मोदी, 750 बेड इसमें होंगे। आपको इस खबर को बता दें कि बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर वोटिंग के बीच PM मोदी बुधवार को यानी आज दरभंगा आ रहे हैं। वे सुबह 9 बजे दरभंगा एयरपोर्ट पहुंचेंगे, इसके बाद दरभंगा एम्स की आधारशिला भी रखेंगे। आपको बताते चले कि महंगाई ने तोड़ा 14 महीने का रिकॉर्ड, खाने पीने की चीजों के दाम बढ़े, महंगाई के मोर्चे पर झटके वाली खबर है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आधारित मुद्रास्फीति अक्टूबर में बढ़कर 6.21% हो गई, जो इससे पिछले महीने यानी सितंबर में 5.49% थी, और मंगलवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ने के कारण रिटेल महंगाई दर 14 महीने के उच्चतर स्तर पर पहुंच गई है। इसी के साथ रिटेल महंगाई दर भारतीय रिजर्व बैंक के 6% के संतोषजनक स्तर के ऊपर निकल गई। पिछले साल इसी महीने में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति 4.87% थी। आपको बताते चले कि देव उठनी एकादशी बीते दिन समाप्त हो गया, शादियों का सीजन शुरू हो गया। अगले साल देव सोने तक 73 विवाह मुहूर्त है। जानिए आपको क्या है इसमें खास बातें।
बताते चले कि बीते दिन देव उठनी एकादशी बीत गई, धूमधाम से पूजा अर्चना किया गया। भगवान विष्णु 3 महीने 26 दिन की योग निद्रा के बाद जाग गए। देव उठने के साथ ही शादी के मुहूर्त भी शुरू हो जाते हैं और आज यानी बीते दिन से अगले 8 महीने तक शादी के 73 शुभ मुहूर्त रहेंगे। सबसे ज्यादा 15 मुहूर्त जो है मई महीने में बताया जा रहा है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा बोले, बीमार लालू से प्रचार करवा रही है आरजेडी, गया में चुनाव से पहले राजद नेता रुपए बांटते पकड़ाया। तो यह बड़ी खबर निकल कर आई है। तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार उपचुनाव में एनडीए की जीत होगी। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जो भी दावा करें, लेकिन बीमार लालू यादव से चुनाव प्रचार करवाया जा रहा है, इससे पता आरजेडी कितनी परेशान है। तेजस्वी यादव के नीतीश कुमार मुंह में गांधी रखते हैं और दिल में गोडसे को रखते हैं। तेजस्वी यादव के नीतीश कुमार मुंह में गांधी रखते हैं और दिल में गोडसे रखते हैं वाले बयान पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नीतीश कुमार को नहीं है। वहीं एम्स हाईवे रेलवे स्टेशन पीएम मोदी आज बिहार को देंगे 10,000 करोड़ की बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 नवंबर आज दिन बुधवार को बिहार के कई बड़े सौगात देने जा रहे हैं। पीएम मोदी दरभंगा एम्स का शिलान्यास के साथ साथ 10,000 करोड़ से भी अधिक नए पुराने नेशनल हाईवे और चौड़ीकरण और पानी बिजली से जुड़ी योजनाओं की घोषणा करेंगे। आगे की खबर निकल कर सामने आई है कि पहले दीजिए 9,300 का वेतनमान, फिर दीजिए स्थानांतरण। नीतीश कुमार ने नियोजित शिक्षकों के लिए मांग की है कि अगर स्थानांतरण नहीं करना है तो पहले 9,300 का वेतनमान दीजिए, तब बिहार के नियोजित शिक्षकों को दूर स्थानांतरण कीजिए, वह जाने के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। और इस तरह से बिहार के नियोजित शिक्षकों का पक्ष मजबूत होते जा रहा है। 3-3 केस कोर्ट में जारी हो गया है। अब देखना यह होगा कि शिक्षकों को राहत मिलती है या फिर नहीं। पूर्व एमएलसी प्रत्याशी और राष्ट्रीय प्रवक्ता युवा राजा त्रिदेश ने यह मांगे रखी है कि शिक्षकों को पहले पोस्टिंग से पहले 9,300 वाला वेतन मान दीजिए। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने बड़ा बयान दिया है, कहा है कि अपनी पार्टी को लेकर यह बयान है। उन्होंने कहा कि नई पार्टी में 26 उपाध्यक्ष और 28 महासचिव, 1 कोषाध्यक्ष समेत 10 प्रवक्ता बनाए गए हैं। वहीं बता दें कि बीएसईबी की गलती के कारण पंचायत शिक्षक पर लगा फर्जी सर्टिफिकेट के सहारे नौकरी हासिल करने का आरोप, अब हाई कोर्ट ने बोर्ड के सचिव को जवाब के लिए किया है तलब। तो इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। ललन सी पर मोदी मेहरबान, केंद्र सरकार ने जेडीयू कोटे के मंत्री को बड़ी जिम्मेवारी सौंपी। जेडीयू कोटे से केंद्र सरकार में मंत्री बने राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेहरबान हो गए हैं। ललन सिंह को केंद्र सरकार ने एक और अहम जिम्मेवारी सौंपी है, उन्हें केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण कमेटी का सदस्य बनाया गया है। इंटर स्टेट काउंसिलिंग के सदस्य बने ललन सिंह बनाए गए हैं। वहीं शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग नीति बिल्कुल गलत है, बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार का बयान आया है, गुस्से में है अपने ही सरकार पर। बिहार में जमीन सर्वे के बीच बड़ी राहत, सीओ साहब नहीं कर सकेंगे ढिलाई, आ गया है खास ऑर्डर। बिहार में भूमि सर्वे का काम हो रहा है और आम लोगों को हो रही परेशानी के बीच एक राहत वाली खबर आई है, अब सीओ मनमानी नहीं कर सकेंगे, इसको लेकर सख्त निर्देश जारी किया गया है। इधर हम आपको बताते चले कि सीएम नीतीश कुमार ने बुलाई कैबिनेट की बैठक, महंगाई भत्ते में हो सकती है बढ़ोतरी। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस गुरुवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। इस कैबिनेट के बैठक के बाद युवाओं और सरकारी कर्मियों को बड़ी खुशखबरी मिलने की बातें कही जा रही है। ऐसे अनुमान लगाया जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार इस कैबिनेट में रोजगार के एजेंडे और महंगाई भत्ता बढ़ाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा सकते हैं। वहीं आपको बताते चले कि पाकिस्तान नहीं हुआ राजी तो फिर इस देश में खेली जा सकती है चैंपियन ट्रॉफी। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 की मेजबानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी के पास है। पीसीबी की मुश्किल, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने बढ़ा रखी है। बीसीसीआई ने आईसीसी के जरिए पाकिस्तान पर दबाव बनाया है। फरवरी मार्च में खेले जाने वाले इस यूनाइटेड टूर्नामेंट को हाइब्रिड मॉडल पर आयोजित किया जाए। भारतीय टीम अपने मैच दुबई में खेले और बाकी के मैच पाकिस्तान में आयोजित किए जाए। हालांकि पाकिस्तान इसके लिए फिलहाल राजी नहीं है। यहां तक कि रिपोर्ट्स आ रही है कि भारतीय टीम के पाकिस्तान नहीं आने पर पाकिस्तान टूर्नामेंट की मेजबानी करने से पीछे हट सकता है। अगर ऐसा होता है तो फिर एक नए देश
को टूर्नामेंट की मेजबानी करने का मौका मिल सकता है। वहीं सिद्धार्थ ने कहा कि ट्रांसफर पॉलिसी पर शिक्षकों की बात मान ली गई है, लेकिन शिक्षक इसको मानने के लिए तैयार नहीं है कि सभी बात शिक्षकों को मान ली गई है, कहां से बातें इसी साहब ने कही है। इधर चैंपियनशिप की बात कर ले तो चकदे इंडिया से गुजर राजगीर स्टेडियम भोजपुरी गीतों के बीच दर्शकों की ऊर्जा बुलंदियों पर तो खिलाड़ियों के हौसले सातवीं आसमान पर, तो बिहार के लिए एक खास मौका रहा। आपको बता दें कि जिले में 75 दिनों से लंबी दाखिल खारिज के मामलों की जांच शुरू की गई है। 29,000 से अधिक मामले हैं लंबित। टीम ने सभी DCLR को सौंपी जिम्मेवारी। पटना की बातें, दाखिल खारिज अब नहीं रुकेगी। वहीं हम आपको बता दें कि अंचलों में भूस्वामियों को किया जा रहा है परेशान। विधानसभा की प्रत्यायुक्त समिति ने अंचलों के कामकाज पर टिप्पणी की है। तो बता दें कि बिहार के 60 जगहों पर खुलेंगे डाक केंद्रीकृत वितरण केंद्र। आपको बता दें कि डाक केंद्रीकृत वितरण केंद्र अभी पटना में खुला है, अब अन्य जिलों में भी शुरू किया जाएगा। इसको लेकर प्लानिंग की जा रही है। इधर स्वयं सहायता समूह बनाने में बिहार की जीविका देश भर में अव्वल बताई जा रही है। 10.81 लाख कह सकते हैं कि स्वयं सहायता समूह तैयार हो चुके हैं राज्य में अब तक, यानी बिहार में। 2007 में बिहार जीविका की शुरुआत महिलाओं के सशक्त के लिए किया गया था, तो यह बिहार के लिए शुभ संकेत है। 25 से 4 दिसंबर तक अग्निवीर की होगी भर्ती। भागलपुर, बांका, मुंगेर सहित 12 जिलों में युवाओं को मिलेगा मौका। कटिहार के गढ़वाल मैदान में सुबह 4 बजे से होगी बहाली रैली। वहीं हाईकोर्ट में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सचिव किए गए हैं तलब। तो वहीं अगली खबर यह निकल कर आ रही है कि एक अनुमंडल वाले जिलों में तबादले पर फैसला जल्द लेगा शिक्षा विभाग। 36,000 यानी कि 40 से भी ज्यादा शिक्षकों ने अब तक ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर इस शिक्षा कोष पर अप्लाई कर चुके हैं। इधर बाल दिवस पर बच्चे निःशुल्क देखेंगे फिल्म। बिहार बाल विज्ञान शोध कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आवेदन 5 से 8 तक के बच्चे लेंगे इस समारोह में भाग। अपनी पसंद की फिल्म देख सकेंगे बच्चे हुई फ्री में निःशुल्क। तो यह थी आज की खास खबर, खास रिपोर्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।